गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री एंड वी हैव कम्प्लीटेड लेसन नंबर 3। जो मोल कॉन्सेप्ट आपका एग्ज़ाम से पहले बचा हुआ था वो भी हम अब कम्प्लीट कर चुके हैं। तो अब आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम एटम्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे कि सारी चीज़ें मिलकर बनी हैं। उस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उस एटम के अंदर और क्या क्या डिविजिबल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसमें उसने यही बताया था कि एटम सिंगल है जो डिवाइड नहीं हो सकता, उससे छोटे हम किसी भी चीज़ को तोड़ नहीं सकते, उस एटम को हम तोड़ नहीं सकते, इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, ये बोला था डाल्टन ने। लेकिन आगे आगे एक्सपेरिमेंट करे हैं जो साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया कि एटम्स में है फर्दर डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो आज हम उसी के कुछ पार्ट्स करेंगे कि एटम्स के ही पार्ट्स करेंगे। एटम्स का फर्स्ट पार्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे। अब हम डिस्कवर नहीं करेंगे, जे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया उसकी डिस्कवरी को स्टडी करेंगे हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो एक साइंटिस्ट था जे जे थॉम्सन, उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया उसने। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके एक साइड पर उसने लगाया नेगेटिव, एक साइड पर लगाया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और ये जो नेगेटिव था इसको बोल दिया उसने कैथोड, और जो पॉजिटिव था उसको बोल दिया एनोड, ठीक है, ऐसे लगा लो, चाहे इसको सीधा नहीं इस तरह से लगा, ऐसे इट विल लुक नाइस, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद उसने क्या किया, इसमें इसको एक ट्यूब में फिट कर दिया, एक ट्यूब में फिट कर दिया, ट्यूब यानी कि ऐसी ट्यूब जिसको हमने क्या करना है, जो कि वैक्यूम क्रिएट कर सके इसके अंदर, जो कि क्या कर सके, वैक्यूम क्रिएट कर सके, यहाँ पर एक नॉब लगा दी जो कि वैक्यूम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ अब जब उसने उसने बेसिकली करना क्या चाहता था, उसने वो करना चाहता था कि जो गैस है, गैस का जो प्रेशर है, उस प्रेशर पर, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस के अंदर से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है गैस के पार्टिकल्स पे, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से वो एटम्स को स्टडी कर सकता है ना, ठीक है, गैस के एटम्स को स्टडी कर सकता है। तो उसने जब नॉर्मल प्रेशर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास की, इसमें नॉर्मल प्रेशर के ऊपर उसने इलेक्ट्रिसिटी पास की, जो गैस इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे ये गैस के पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है, उसने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की, कोई असर नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उसने प्रेशर को बहुत लो किया, 10^-3 एटमोसफेयर किया, तब क्या हुआ, उसे क्या दिखाई दिया, यहाँ पर एनोड के इस कॉर्नर पर उसको फ्लोरेसेंस दिखाई दिया, मतलब चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया, यानी कि कुछ ऐसा निकला है जो यहाँ पर स्ट्राइक हुआ है, यहाँ पर टकराया है, जिसकी वजह से वो चमक पैदा हुई है, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी, क्या थी वो, कैथोड से निकल रही थी, इसीलिए जो निकल रहा है वो कैथोड से निकल रहा है, नेगेटिवली चार्ज है, उसको नाम दे दिया कैथोड रेज, क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज, ठीक है। फर्दर जब इस पर स्टडी की गई, कैथोड रेज क्या कंटेन करती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स,
उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इस यहाँ पर जो मैटर प्रेजेंट है, जिस भी चीज़ से कैथोड बना है, उसके अंदर एटम है ना, हर मैटर के अंदर एटम होते हैं, उसके अंदर से कुछ नेगेटिव निकल रहा है, तो उस नेगेटिव को उसने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स। तो मैटर के अंदर ही प्रेजेंट है ना, ये एटम के अंदर ही प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। और जो रेज निकली थी उसको नाम दे दिया उसने कैथोड रेज, और इसको कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जो जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्कवर किए। और इलेक्ट्रॉन का जो मास था, मास कैसे, 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास था 1/1840 इलेक्ट्रॉन का मास था, तो 9.1 × 10⁻³⁻¹। ये आया इलेक्ट्रॉन का मास, क्या आ गया ये मास। ये भी आपके जे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था। क्या किया था उसने, एक बार फिर से देखो, जे जे थॉम्सन ने एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब, और उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर सके इस तरह की अरेंजमेंट कर दी। वैक्यूम मतलब कोई गैस उसमें, एटमॉस्फेयर ना हो, कुछ भी ना हो, वैकेंट हो। और एक ट्यूब ली उसके अंदर ग्लास की ही, उसके अंदर गैस डाली, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की। यहाँ पर कैथोड और एनोड दोनों मेटल्स ले लिए और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की। यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी शो नहीं हुई, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। फिर उसने क्या किया, वैक्यूम को एडजस्ट किया और ये गैस यहाँ पे इसके प्रेशर को बहुत कम कर दिया, गैस के प्रेशर को बहुत लो कर दिया, ठीक है, यानी 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर कर दिया। तब जब उसने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तब एनोड पर क्या दिखाई दिया, कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। तब उसने ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ हमारे कैथोड साइड से कुछ ऐसा निकल रहा है जो यहाँ जाकर टकरा रहा है। देयर इज समथिंग विच इज़ कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ रेज एंड गेटिंग स्ट्राइक ओवर एनोड, एंड एनोड इज शोइंग फ्लोरेसेंस, चमक शो हो रही है यहाँ पे, एंड दैट फ्लोरेसेंट इज बिकॉज ऑफ दीज कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी, तो जे जे थॉम्सन ने इसको कैथोड्स का नाम, कैथोड रेज का नाम दे दिया। फर्दर हमारे साइंटिस्ट ने स्टडी की तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, जो कैथोड रेज हैं वो है नेगेटिवली चार्ज, और उनके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं दे आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को उसने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया। तो ये क्या था आपके, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो मेन ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी, मेन ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कैथोड रे से कुछ निकल, कैथोड से रेज निकल रहे हैं, जिनको कैथोड रेज बोला गया, एंड दोज आर नेगेटिवली चार्ज इन नेचर। फर्दर उसी को बोला गया कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जे जे थॉम्सन ने किया। इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ हुई है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ हुई है। तो जो उसने 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पे प्रेशर पे ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इससे पहले भी उसने अलग अलग प्रेशर्स पे इसको ट्राई करके देखा था। मतलब जब नॉर्मल प्रेशर था तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने और डिक्रीज़ किया उसको 10⁻², पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन जब और रिड्यूस किया उसने प्रेशर गैस का, यानी कि गैस के पार्टिकल को और निकाला उसके अंदर से, तो क्या रिएक्शन आई, यहाँ पर एनोड पर कुछ ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, एंड दैट ऑब्जर्वेशन वॉज कॉल्ड एज कैथोड रेज। इसको उसने कैथोड रेज का नाम दिया, और उसके अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, मतलब ये जो कैथोड रेज है नेगेटिवली चार्ज इन नेचर हैं, और उसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है दैट आर नेगेटिवली चार्ज, और जिनको फर्दर आगे जाकर क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो कितना बताया उसने, कितना कैलकुलेट किया, 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन का जो मास है कितना आ गया, 9.1 × 10⁻³⁻¹। ये किसका आ गया, इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। ये किसने किया था, जे जे थॉम्सन ने। तो जे जे थॉम्सन ने आपने कैथोड रेज डिस्कवर की और उससे इलेक्ट्रॉन फर्दर डिस्कवर हुए। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। आगे हम करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, अब उसने क्या
जब आपके एक साइंटिस्ट ने एक तरह की रास्ता दे दिया कि हाँ इस तरह से कैथोड रेज मूव हो रही हैं, तो फर्दर साइंटिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया उसी बेस पे कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव भी प्रेजेंट होगा। कोई भी स्पीशीज़, जैसे हमने केमिकल सिंबल्स किए थे, नेगेटिव जितने थे उतने ही पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपका CaF2 है, अगर कैल्शियम के +2 हैं तो फ्लोरीन के -2 होने चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा। तो जितने नेगेटिव चार्ज हैं पॉजिटिव भी होंगे। तो साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम में है तो पॉजिटिव भी होगा उसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बिना कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इस यूनिवर्स में, ठीक है। तो फर्दर जो उसकी प्रोटॉन की डिस्कवरी थी वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, तब के इसको रिवाइज करना है आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।